कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर छोटी काशी जयपुर में कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। शहर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर प्रांगण में भी जन्माष्टमी पर्व को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। तेज गर्मी को देखते हुए इस बार मंदिर में बिछायत और शेड की व्यवस्था भी की गई है। मंदिर में लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं के लिए ठाकुर जी के दर्शनों को लेकर प्रशासन ने विशेष बैरिकेड्स लगाए हैं। मंदिर प्रशासन की ओर से झांकियों का समय भी बढ़ाया गया है। सुबह 4:30 बजे से रात 12:30 बजे तक 9 झांकियां सजाई जाएंगी। मध्य रात्रि को आराध्य का दूध गुलाब इत्यादि से जलाभिषेक किया जाएगा। सारा तरह का जाप्ता हमने हर जगह लगा रखा है। सीसीटीवी कैमरे हमने कंट्रोल रूम में सब जगह के लगा रखे हैं। सबको ये समझाइश की गई है कि भाई श्रद्धालुओं के साथ में अच्छे संयमित व्यवहार करें। श्रद्धालुओं से भी आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से प्रार्थना है कि वो भगवान के दर्शन को आए तो संयमित तरीके से व्यवहार करें, भीड़ भाड़ से बचें। सब हर तरह की व्यवस्था पुलिस के लिए और जनता के लिए बिल्कुल माकूल व्यवस्था हमने की है। कृष्ण जन्मोत्सव का मतलब कृष्ण जन्माष्टमी आज पूरे प्रदेश भर में श्रद्धा उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और अभी हम राजधानी जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में हैं और जिस तरह से यहाँ पे श्रद्धालुओं की जो भीड़ देखी जा रही है वो बहुत ही एक तरह से काफी भीड़ है। सुबह 4 बजे से काफी श्रद्धालुओं की लाइनें यहाँ पे देखी जा रही है और पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी मुस्ती के साथ यहाँ पे जो चौकसी है वो बढ़ती जा रही है। हमारे साथ कुछ ऐसे ही श्रद्धालु हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह का यहाँ पे व्यवस्था है और किस तरह की यहाँ पे दर्शन होंगे। हम यहाँ पे भक्तजनों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे टाइम टाइम पानी की व्यवस्था है, छांव की, पंखे, कूलर सब की व्यवस्था है तथा अच्छी तरह दर्शन किए करवाए जा रहे हैं। दर्शन होते हैं, अच्छे दर्शन होते हैं। जो भी दर्शन अच्छे करते हैं वो सही से करते हैं, बढ़िया दर्शन होते हैं। भगवान अपना दर्शन देने के लिए भक्तों को बुला लेते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण की जन्म दिन है और श्रद्धालु काफी आ रहे हैं और पुलिस की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और दर्शन करके बड़ी अनुभूति, बहुत अच्छी अनुभूति हुई। मैं रोज़ गोविंद देव जी आती हूँ और हमारे लिए रोज़ ही पर्व है, रोज़ ही है, लेकिन जन्माष्टमी का महत्व कुछ हमारे भारत में कुछ ज़्यादा ही मानते हैं। और गोविंद देव जी में आने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे मथुरा, वृंदावन सब कुछ हमारे यहीं बसे हैं। हमारे साथ ऐसे कुछ श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद हैं जो गोविंद देव जी के दर्शन करने के आए हैं, वो कैसी अनुभूति हो रही है उनसे जानते हैं। जय श्री कृष्णा, सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जो यहाँ आज राजस्थान में और स्पेशल जयपुर में जो कृष्णमय माहौल हो रहा है उसके लिए आज बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुकून प्राप्त हो रहा है। और मैं कृष्ण जी से और हमारे सभी यहाँ जो राजस्थान में इतने स्पेशल हमारे त्यौहार होते हैं सभी देवी देवताओं से, मैं यही हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ और हमारे गोविंद देव जी महाराज से यही हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि हमारे सभी यहाँ पर जो जयपुर वासी है, राजस्थान वासी है, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, सभी को स्वस्थ रखे। हमारे साथ कुछ ऐसे ही नन्हे कृष्णा भी हैं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। बहुत ही सुंदर और बहुत ही उत्साह में प्रभु चल रहा है। सुबह से ही मंगला से ही आज बहुत अच्छा, बहुत पब्लिक का रेस्पॉन्स है। पब्लिक बहुत मतलब जोश तरह से आ रही, कई दिन बाद मौका मिला। एक ही अरदास है कि कान्हा के दर्शन हो जाए और आज कृष्ण जन्माष्टमी बड़े श्रद्धा उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और हम सभी दूरदर्शन की तरफ से, हम सभी हमारे श्रद्धालु हैं उनको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। मेरे साथी सहयोगी केदार प्रसाद शर्मा के साथ राहुल शर्मा, DD News जयपुर।